हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है परवेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक हंटे वाटे पर। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ढेर सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो पोको का डिवाइस है आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या हो रहा है, कि उनका जो पोको का डिवाइस है चाहे पोको M2 Pro या फिर पोको में कोई भी डिवाइस आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रही है, चाहे वो कॉलिंग करते वक्त स्विच ऑफ हो रही है या फिर गेमिंग करते वक्त, लेकिन उनका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रही है, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास भी पोको का डिवाइस है तो ये वीडियो खास आपके लिए मैंने बनाया है, तो आपकी ये प्रॉब्लम इस वीडियो से पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है। तो आप इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते फ़ोन की सेटिंग में। तो आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है पावर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। अगर गलती से आपका ये ऑन है इस तरह, तो आपको क्या करना है, इसको कर देना ऑफ़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ये किसी ने अगर ऑन कर दिया गलती से तो आपका जो फ़ोन है वो इसी टाइम के हिसाब से वो आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा और फिर आपका फ़ोन ऑन होगा इस टाइम में। तो इसीलिए आपको इन सबको कर देना डिसेबल, ताकि आपका फ़ोन कभी स्विच ऑफ ना हो। इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आपको जाना पड़ेगा अपने अबाउट फोन में। अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा लेटेस्ट, तो आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके देख लेना है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद अगर आपके फ़ोन में कोई बग्स हो तो वो फिक्स होकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। अगर इससे भी नहीं होता है तो आपका जो फ़ोन में स्टोरेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 50% आपको अपने जो स्पेस को खाली रखना है अपने फ़ोन में, ताकि आपका फ़ोन हैंग ना करे, क्योंकि फ़ोन हैंग करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी जो स्विच ऑफ की प्रॉब्लम है वो भी इसी की वजह से होती है। तो अपनी स्टोरेज को कम से कम 50% तक तो खाली रखें। इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को एक बार कर लेना है रीसेट, क्योंकि रीसेट करने से क्या होता है कि अगर हमारे फ़ोन की सेटिंग में या फिर किसी ऐप में अगर कोई सेटिंग के साथ छेड़छाड़ हुई होगी तो वो रीसेट करने से सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट में जो हमारे सेटिंग होती है उस पर अप्लाई होकर वो हमारा फ़ोन पूरी तरह से सही हो जाता है और कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और फ़ोन भी काफ़ी स्मूथ चलता है, क्योंकि जो ढेर सारे ऐप्स का कचरा होता है कई डेटा वो भी ख़त्म हो जाता है। तो एक बार आप इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। अगर इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके फ़ोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आपको जाना पड़ेगा अपने MI सर्विसिंग सेंटर में और वहाँ पर आपको सिंपली अपने फ़ोन की जो प्रॉब्लम है आपको बता देना है और फिर वो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने आपके फ़ोन को ठीक करके आपको दे देंगे। लेकिन कभी भी MI सर्विसिंग सेंटर जाने से पहले आपको ये याद रख लेना है कि आपका फ़ोन में जो भी डेटा है वो वहाँ पर जाने के बाद रीसेट होगा तो सब हट जाएगा, उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का सारा बैकअप बना कर रख लेना है अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मतलब आपका फ़ोन का कुछ भी डेटा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो बेल आइकन उसे दबा देना ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।